हमारे जो किसान भाई आलू लगाते हैं वो कैश क्रॉप है और बहुत जल्दी उनको बिक जाता है, उनको काफ़ी पैसा आता है। और किसान भाई आलू की खेती करते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छा बीज लगाते हैं, और अगर फसल सुरक्षा के प्रति वो ध्यान नहीं देते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। और आलू में खास करके दो या तीन तरह के जो कीड़े हैं हमारे जो झारखंड राज्य में हैं वो प्रायः देखे जाते हैं, और दो तीन तरह के जो खत बीमारियाँ हैं, और तीसरा जो है कि पाला पड़ता है, ठंडा पड़ता है, उससे भी आलूओं को नुकसान होता है। अगर मैं कीट की बात करूँ पहले बात, तो कीट में खास करके आलू में लगने वाले कीड़ों में जो महत्वपूर्ण कीड़ा है एक माहू कीड़ा होता है, वो लगता है जो कि पत्तियों के मुलायम पत्तियों से रस चूसता है। दूसरा यह है एक कटुआ कीट होता है जिसको हम लोग कटवर्म भी कहते हैं, वो कीड़ा लगता है उसमें। कि देखेंगे किसान भाई रात में गए, मतलब कीड़ा कीट काट दिया, सुबह में आलू कटा हुआ आपको दिखेगा, इसीलिए उसका नाम कटुआ कीड़ा लगा है। और तीसरा है कि सफ़ेद मक्खी नाम की बीमारी रस चूसने वाले कीड़े लगते हैं खास करके, वो है कि बीमारियों को फैला देते हैं। तो तीन तरह के कीड़े खास कर लगते हैं। और अगर बीमारियों की मैं बात करूँ तो बीमारियाँ में दो तरह की हैं झारखंड राज्य में जो बीमारियाँ लगती हैं, आलू का अगेता अंगमारी और पचेता अंगमारी, दो बीमारियाँ आती है खास करके यहाँ पर जनवरी के महीने में देखी जाती है और काफ़ी उससे किसान भाई को नुकसान होता है। और एक ब्लैक स्कॉर्प डिजीज कहते हैं जिसमें देखेंगे किसान भाई आलू के जो आलू का जो कंद बनता है उस पर काले काले रंग के चित्ते बने रहते हैं, जिसके वजह से आलू का बाज़ार भाव बहुत ही कम हो जाता है। मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहूँगा कि कीटनाशक जो जहरीली कीटनाशक का प्रयोग एक आवश्यक बुराई है। इसका प्रयोग तभी करें जब आपको आर्थिक रूप से ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, तो तभी तब वो करें। पहले नीम से निर्मित जब आपका प्रयोग करें, और अगर शुरू से बीज डालने से लेकर फसल तैयार होने तक आप नियमित रूप से खेत में जाएं और देखें, और उसके अनुसार अगर आप उपचार करें, बीज उपचार कर लें आपका, तो काफ़ी मतलब उससे फ़ायदा होता है। बहुत सारे बीज से फैलने वाली बीमारियां जो होती है वो नहीं लगेगी। और किसान भाई अपने खेतों को फसल चक्र जरूर अपना के लगाएं, ताकि उससे भी कि भूमि से भी फैलने वाली बीमारियां होती हैं उससे भी बचाव हो जाएगा।